हेलो एवरीवन, इट्स मी यश ग्रोवर एंड वेलकम अगेन टू कोड क्रिल्स। सो गाइस, आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने वर्चुअल मशीन मीन्स वीएमवेयर में कैसे इजिली इंस्टॉल कर सकते हो एंड कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे पैरट का लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो एक भी स्टेप्स को यहाँ पे स्किप मत करना, वरना आप में एरर आ सकता है एंड बाद में आपका जो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे अपने इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड ऐसे और भी अमेजिंग कंटेंट एंड स्टफ्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे पैरट का सबसे पहले हमें आईओएस फाइल इमेज फाइल चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है पैरट ओएस। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज सर्च करना है एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट में मिलेगा पैरट सिक्योरिटी का लिंक, आपको सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। देन जैसा आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड जैसा आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे एडिशन देखने को मिल जाएंगे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन है वो है सिक्योरिटी एडिशन, देन सेकंड है वो है होम एडिशन, ठीक है, देन यहाँ पे थर्ड है वो है हैक द बॉक्स एडिशन, देन क्लाउड एडिशन, देन आर्किटेक एडिशन, देन रास्पबेरी पाई। ओके, यहाँ पे हमें मोस्टली अगर हमें रेड टीमिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए चाहिए तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी एडिशन यूज करते हैं, बट अगर बस आपको उस टाइप का यूआई चाहिए पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आप यहाँ पे होम एडिशन के साथ जा सकते हो। हैक द बॉक्स में आपको डिफरेंट चैलेंजेस रूम आप कह सकते हो टास्क मिलते हैं, क्लाउड एडिशन में आप सारी चीज़ को क्लाउड पे सेव करवा सकते हो एंड और भी नीचे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बट हमारे यहाँ पे मेन पर्पस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग को लेकर, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी एडिशन को करेंगे क्योंकि हमारे में जो मोस्ट ऑफ द टूल्स होते हैं वो इसी में हमें देखने को मिलते हैं। सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ये वाला आप देख सकते हो ये फाइल है जो कि अराउंड ये 4.8 GB का है। तो इस फाइल को यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, देन डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है वीएमवेयर फ्री डाउनलोड एंड जैसा आप उसके यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे जाना है एंड यहाँ से आपको वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्लेयर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप विंडोज क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड नाउ पे आपको जाना है एंड डाउनलोड नाउ पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको इसको यहाँ इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि बहुत सिंपल है। ओके, एक बार इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना वीएमवेयर को ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा वीएमवेयर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड ओके यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। देन सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पे इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल। ओके, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना ब्राउज पे ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड्स पे जाके यहाँ पे आपको जो पैरट का आईओएस इमेज फाइल मिल जाएगा आपको सिंपली इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि अभी हमने जस्ट डाउनलोड किया था, देन आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है, देन यहाँ पे आपको लिनक्स सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है उबंटू 64 bit। ओके, देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे उसको एक आपको नेम डाल देना है तो आपको यहाँ डाल देना है पैरट ओएस एंड यहाँ पे आपको लोकेशन को डिफॉल्ट रहने देना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको डिस्क स्पेस प्रोवाइड करना है। ओके, यहाँ पे आपको जैसा कोई यूज हो, अगर आप इसको मोस्ट यूज करना चाहते हो, ज्यादा यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको डिस्क स्पेस ज्यादा दे सकते हो, बट मैं फिलहाल यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको स्टोर सिंगल फाइल पे कर देना है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इसने ऑलरेडी अपने आपको यहाँ पे 2 GB रैम दे रखी है बाय डिफॉल्ट एंड अगर आप इसको चाहते हो चेंज करना, आप इसको ज्यादा रैम देना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको घड़ा बटा सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे 3 GB का राउंड कर दे रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो पैरट ओएस नाम से यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है। देन सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्ले वर्चुअल मशीन पे, वो क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्ले पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपका जो वीएमवेयर है यहाँ पे बूट अप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 options देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है वो है ट्राई इंस्टॉल, देन है एडवांस मोड्स, देन है फेल सेफ मोड्स। ओके, यहाँ पे हमें ट्राई इंस्टॉल करना है, इस पर आप सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड यहाँ पे आपका जो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली बूट अप हो जाएगा।
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पैरेट का, वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे अभी ये कंप्लीट काम हमारा नहीं हुआ है। ओके तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंस्टॉल पैरेट। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक, एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश रहने देना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको लोकेशन चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मैं इसको डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। देन कीबोर्ड भी मेरे को डिफॉल्ट रहना है। देन यहाँ पे आपको सिंपली इरेज डिस्क पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल गुरु डाल दे रहा हूँ। एंड आपको सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर नेम को यहाँ पे आपको डाल देना है, पैरेट OS। ओके देन आपको सिंपली एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, एंड देन इंस्टॉल नाउ। एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, एंड देन आपका यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके VMware में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा सक्सेसफुली यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, एंड आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है रिस्टार्ट नाउ, एंड आपको यहाँ पे डन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन करोगे तो यहाँ पे जो आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक बार यहाँ पे बूट अप होगा, एंड देन यहाँ पे आप अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सक्सेसफुली बूट अप हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 2-3 seconds वेट कर लेना है, देन यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो पासवर्ड था जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है, देन आपको सिंपली यहाँ एंटर कर देना है। एक बार पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये मिनिमाइज्ड है, तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे एक बार इसको वापस से मिनिमाइज करना है, देन एक बार मैक्सिमाइज करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फिट हो चुका है। देन अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। अगर मैं पेनटेस्टिंग में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे एक्सप्लॉयटेशन के टूल्स चाहिए तो आपको और टूल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे मेंटेनिंग एक्सेस के टूल्स, देन पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के टूल्स, देन यहाँ पे वायरलेस टेस्टिंग, मीन्स यहाँ पे आपको कंप्लीट सारे जो टूल्स होते हैं पेनटेस्टिंग टेस्टिंग से उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल्ड। एंड अगर यहाँ मैं इसके टर्मिनल की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप इसके टर्मिनल को यहाँ ओपन करोगे, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड इसका जो टर्मिनल है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर यहाँ पे कमांड डालो आप मोर, देन यहाँ पे /etc, देन /os-release। ओके जैसा आप यहाँ पे ये कमांड डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसका नाम यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड इसका जो वर्जन है वो है 5.2, एंड यहाँ पे वर्जन नेम है इलेक्ट्रो एरा। ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। देन यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड मिल जाते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ को यहाँ पे इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मैंने इसको ये चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। ओके यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको और सारे टूल्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। सो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, एंड ऐसे और भी अमेजिंग कंटेंट एंड स्टफ्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी अवेयर, बी सेफ, एंड बाय बाय।